वेलकम बैक गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए ब्लॉग में। आज क्या है, ज़ोरदार बारिश हो रही है, छुट्टी का भी दिन है तो हम लोग चाय के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मौसम एकदम पूरी तरह से बदल गया है, पल पल बदल रहा है मौसम। थोड़ी देर धूप निकलती है, फिर थोड़ी देर बारिश हो जाती है, फिर थोड़ी देर धूप निकलती है, फिर बारिश हो जाती है, और अभी गिरे हैं खूब ढेर सारे ओले। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं आपको ढेर सारा ओले, बारिश, तूफान और उसमें गर्मा गर्म चाय। तो आज स्पेशल चाय भी है, मसाला टी बनाएंगे और मिलते हैं थोड़ी देर में। ओ गाइस, देखिए कितने काले घने बादल आए हैं। ये दोपहर के बज रहे हैं 12 और देखिए ऐसा लग रहा होगा कि आपको रात होने वाली है। देख रहे हैं कितने घने काले बादल और उतनी ही जोर जोर से बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी धूप निकली थी तो चलिए दिखाता हूँ, एक राउंड बारिश और ओलावृष्टि हो चुकी है। क्या हालत है देखिए मेरे लॉन के, ये देखिए कितना देख रहे हैं, ये देखिए गाइस कितना जबरदस्त बारिश हुई है ना। तो गाइस देखिए ढेर सारी बारिश और ये देखिए मेरे पीछे कितनी जोर, कितना पानी भरा हुआ है चारों तरफ और खूब जोर की यहाँ हुई है बारिश। बारिश अभी थोड़ी सी रुकी हुई है तो मैंने कहा कि दिखाते हैं आप लोगों को गाइस कितना ढेर सारा यहाँ पानी गिरा हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब मई के महीने में प्रवेश करने वाले हैं। ये देखिए मेरे पीछे देखिए कितने ढेर सारा पानी है ना, और एकदम काले घने बादल हैं। और ये दोपहर के 12 बजे का सीन है तो 12 बजे आपको ऐसा लग रहा होगा कि रात होने वाली है। तो गाइस देखिए वो देखिए मेरे पीछे कितनी जोर की एकदम काले बादल, ये लीजिए फिर से बारिश चालू हो गई है तो चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा अंदर। तो गाइस देखिए कितनी जोर की बारिश हो रही है और गिर रहे हैं ओले, ये देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखिए बड़े बड़े ओले गिरने लगे हैं गाइस। हाँ तभी तो बर्फ बन रही है ना। ये देखो बड़े बर्फ कितनी गिर रही, बर्फ की गई बर्फ बोले। देखिए इस साइड से ओले गिर रहे हैं, वो देखो बड़े बड़े, वो देखो बड़े। तो गाइस ये देखिए मई की तपती गर्मी का एहसास लीजिए और बर्फ के गोले भी गिर रहे हैं। अब जाके थोड़ा सा मौसम क्लियर हो गया लेकिन चारों तरफ पानी भर चुका है, अब पानी बहुत तेज हो गया है, पानी तेज है। ओले देखो एकदम भयंकर आ गया। ओ गाइस अभी अभी बारिश खत्म हुई है और बारिश खत्म होने के बाद तेज धूप आ गई है, थोड़ी देर में कड़कती हुई धूप देखिए अभी
पानी अभी छत का पूरा निकला ही नहीं, अभी टपक ही रहा है इतने तेज। इतना तो गाइस ये है मेरा स्पेशल चाय मसाला, तेज पत्ता, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, लौंग, ये सबको क्या करेंगे पहले रोस्ट कर लेंगे। और हाँ, इसमें सोट डाल सकते हैं गाइस, लेकिन मेरे पास सोट है नहीं तो अभी मैं सोट डाल नहीं रहा हूँ। और तुलसी, सूखी हुई तुलसी के पत्ते भी डाल लेंगे ना तो वो भी अच्छा लगता है। और ईरानी चाय बनाने जा रहे हैं तो सूखे हुए पुदीने के पत्ते, तो ये दो डाल दीजिए। तो बस अब इसको हम रोस्ट करेंगे, फिर पीसेंगे और बन जाएगी हमारी स्पेशल मसाला चाय। तो फाइनली हमारे चाय मसाले जितने थे हमने उनको पीस लिया है, बहुत बारीकी से नहीं पीसा है, इतना ही अपने को पीसना है। बस अब थोड़ा सा इसमें से आधा चम्मच निकाल लीजिए और अपनी उबलते हुए पानी में डाल दिया जाएगा। बस इतना सा ही डालना है गाइस। अब फ्लेम को कर देंगे धीमा, थोड़ा सा मसालों को कलर आने देंगे, फिर डालेंगे चाय की पत्ती। ओ गाइस ये देखिए सब उबलने लगा है, अब हम डाल रहे हैं ये देखिए गुड़, एकदम गुड़ के क्यूब्स है मेरे पास, आपको जितना मीठा करना हो तो ये 2 कप के लिए मेरा पर्याप्त हो जाता है गुड़। तो गुड़ वाली एक सेहत भरी चाय, बारिश हो रही है तो सेहत भरी चाय पियेंगे। हो रही है बाहर और हो रही है बारिश, और ये खा रहे हैं रोस्टेड चने, बोल रहे हैं बारिश में मज़ा ले लिया जा रहा है, और हम लोग चाय के साथ बारिश का आनंद लेते हुए भोपाल में रह के भी शिमला कुल्लू मनाली का मज़ा ले रहे हैं, हम लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और हम लोग कुल मिला के गर्मी का मज़ा ले रहे हैं।